जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन की ऑनलाइन पेड क्लासेस में। सो आज फिजिक्स में आज हम जानेंगे यूनिट्स के बारे में। क्लास फर्स्ट आपकी यूनिट की ये रहेगी, इससे पहले एक बेसिक सेशन आपका हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज फिजिक्स में जो यूनिट का चैप्टर हमारा रहेगा, जिसमें मात्रक्स को हम डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के लिए आपके लिए रहेगा, जिसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, बाइलिंगुअल हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको कवर करवाएंगे। ये हमारा जो फिजिक्स अभी स्टार्ट हुई है, बैच हमारे जो स्टार्ट हुए हैं, ये फिजिक्स का जो सेशन है, जितने भी आपके साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स पूछी जाती है, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, सी टैट का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, इसके अलावा जहां पर भी आपसे फिजिक्स पूछी जाती है थोड़ी सी एडवांस लेवल की, उन सभी के लिए आपकी ये ऑनलाइन क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। सो डेली आपको जो है वो क्लास आपके पेड बैचेस में प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको देखिए आप, साथ में अपने नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि तभी आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी, भौतिक मात्रा में एंट्रोपी की इकाई को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक क्लास आपके सिंपल फॉर्मूलों की रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलेशन, वेलोसिटी, उसके बाद टाइम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जो भी हमारे एक बेसिक फॉर्मूले रहते हैं उनको मैं कवर कराऊंगा, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर, इसके फॉर्मूले हैं उनको मैं कवर करवाऊंगा। साथ में दूसरी क्लास आपकी रहेगी जिसमें बेसिक डेफिनेशंस में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एनपीएन किसे कहते हैं, एंट्रोपी क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ज़्यादातर बच्चे इन्हीं चीज़ों में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो दो आपके इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं वो जल्दी ही आपके पेड बैचेस में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको जो है वो चेक कर सकते हैं। ये दोनों क्लासें आपकी बेसिक फिनोमिना की क्लासेस रहेंगी और सभी एग्जाम के लिए आपके लिए एक हेल्पफुल जो है वो साबित होंगी। तो सबसे पहले देखिए एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी जो है उसको एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, अब एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, अब देखिए एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, एनर्जी के यूनिट हो गए आपके जूल, और टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं आपके, एसआई यूनिट होते हैं केल्विन। तो सिर्फ आज हम यूनिट का ही चैप्टर जो है इसका पहला पार्ट आपके लिए रहेगा, तो यूनिट को ही हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। आपके जो भी जैसे सी टैट का आपका एग्जाम है, हिमाचल टैट का एग्जाम है, इन सभी एग्जामों के लिए जहां पर आपसे नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स आपके लिए पूछी जाती है, एडवांस लेवल से हम इसको जो है वो आज हम कवर करेंगे। इसके बेसिक सेशन भी आपको आपके पेड बैचेज में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो जूल अपॉन केल्विन, तो जूल पर यूनिट केल्विन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में नोट्स आप प्लीज नोट्स आप बनाते चलिए, तभी वन टू वन आपको जो है वो रिवीजन के टाइम में जो है वो काफी एडवांस लेवल तक हेल्प आपको देखने को मिलेगी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी बेसिकली एक थर्मल एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी आप उसको बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी है, जिसका जो है वो यूज जो है वो नहीं किया जाता। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर एक बैट्समैन जो है वो एक बॉल को खेल रहा है, ये बैट्समैन आ गया, ये आ गया बॉलर, अब इसने बॉल करवाई, इसने क्या किया, हिट किया बॉल को, और बॉल जो है वो यहाँ से कहाँ चला गया, दूसरी जगह पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिए, जब बॉलर के हाथ में बॉल थी तो उसके हाथ में वो पोटेंशियल की फॉर्म में था, जब ये बॉल उसके हाथ से निकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, जब बॉल से ये बैट जो है वो हिट हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंट वे ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, जैसे कि साउंड एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि जब बैट के साथ हिट हुई तो स्ट्राइक की साउंड आई होगी, साथ में यहाँ से हीट एनर्जी भी यूज हुई, तो ये दोनों एनर्जीज का क्या है, कोई भी यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। क्रिकेटर को किससे मतलब है कि वो सिक्स गया या फिर नहीं गया,
साउंड एनर्जी हीट एनर्जी का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, तो आप उसको एक फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी में जो है वो उसको एक इजी वे में समझ सकते हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, तो एनर्जी की यूनिट जूल और टेम्परेचर के कैल्विन, सो जूल पर कैल्विन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड को मेजर करने की इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो मैं कुछ बोल रहा हूं या आप जो सुन रहे हैं उसको किस यूनिट में काउंट किया जाता है, कैंडेला, एम्पियर, नोट्स या फिर डेसिबल, क्या इसका राइट आंसर है? सो ऑप्शन डी डेसिबल इज द राइट आंसर। जो भी आवाज है, शोर है, नॉइस है, साउंड है, उसकी तीव्रता, उसकी तीव्रता का मतलब है उसकी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी जो है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। नोट्स आप बनाते चलें तभी आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस इज मेजर्ड इन विच यूनिट, ये मैंने आपको अभी बता दिया, शोर को किस इकाई में मापा जाता है, क्वेश्चन को किसमें, ध्वनि से किसमें चेंज कर दिया, शोर में चेंज कर दिया, तो ऑप्शन आपके चेंज हो गए, लेकिन एक ऑप्शन जो राइट आंसर है वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। शोर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, शोर को भी मेजर किया जाता है डेसिमल में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन क्वेश्चन में चेंज आ गया, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैंने अभी आपको बताया एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है डेसिबल, डेसिबल इज द राइट आंसर, बट ऑप्शन में कहीं पर भी डेसिबल नहीं है, तो आपको बताना क्या है कि किसको ऑप्शन ए बी सी में से डी में से किसको जो है वो डेसिबल को हम यूनिट जो है वो बता सकते हैं, किसको हम डेसिबल जो है वो कह सकते हैं, तो ये आपको जो है वो बताना है। देखिए सबसे पहले साउंड को हम किस यूनिट में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ठीक है जी, किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। अब साउंड काम क्या करता है, साउंड काम क्या करता है, साउंड क्या है, एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी है, तो इसको जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसको काउंट किया जाता है, किस में काउंट किया जाता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता है वो क्या जनरेट करती है, एक टाइप की पावर जनरेट करती है, पावर पर यूनिट डिस्टेंस स्क्वायर जो है वो आप इसको बता सकते हैं, तो वॉट प्रति वर्ग मीटर, यानी कि वॉट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। डेसिबल को हम वॉट पर स्क्वायर मीटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज की माप का मात्रक क्या है, तो अभी मैंने आपको बता दिया यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस, नॉइस को किस में मापा जाता है, डेसिबल में, और अगर डेसिबल ऑप्शन में ना हो तो किस में लिखेंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर भी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई क्या है, यानी कि आपको बताना है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इकाई क्या है, सभी जानते हैं नॉर्मली प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, देखिए अब फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन आया है, वैसे एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, सॉरी प्रेशर की क्या होती है, पास्कल होती है, लेकिन प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया मान सकते हैं, फोर्स के यूनिट न्यूटन और एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो इस पास्कल को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जान सकता हूं, जैसे मैंने आपको डेसिबल का बताया वोट पर मीटर स्क्वायर, वैसे मैं प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जान सकता हूं, तो प्रेशर के यूनिट क्या हो, यूनिट क्या होते हैं, पास्कल होते हैं, क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। उसके बाद आपको एक यूनिट और दी गई है, यहां पर है ल्यूमेन, ल्यूमेन जो है वो ऑप्शन डी में आपको बताया गया है ल्यूमन, तो ये किसका है, ये जो है वो फ्लक्स का है, ठीक है, किसका है, फ्लक्स का यूनिट होता है ये, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका किसका यूनिट है, फ्लक्स का है, ठीक है जी। पारसेक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो काउंट किया जाता है, पारसेक को किस में काउंट किया जाता है, डिस्टेंस में काउंट किया जाता है, जहां पे आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएंगे वहां पर हम इसको
एक पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिक कितने यूनिट हैं, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है टोटल कितने यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं। और जो अमाउंट है सब्सटेंस का उसको किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बताया जाता है मोल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, मोल में जो है इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर से वही चीज आपसे पूछ ली गई। तो सब्सटेंस के लिए अभी मैंने आपको बताया, क्या राइट आंसर आएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन ए, मोल को मोल से बताया जाता है। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को किस यूनिट में बताते हैं, मोल में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स आप बनाते चलिए साथ साथ में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में ये चीजें 101% आपके इस ब्रेन में फिट हो जाए, आपको ये क्लास दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं बार बार आपसे जो क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ, लेकिन किसी अलग तरीके से। देखिए पिछले अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की सेंस सेम हो लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन में सेंस सेम है तो वही चीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेकिन तरीका अलग है। वैसे ही यहां पर भी तरीका क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो क्या राइट आंसर आएगा, मोल में काउंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को। नेक्स्ट, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। अभी मैंने बात की थी कि मैं आपको यहां पर बताऊंगा किस चीज के लिए जो है वो उसको यूनिट की मापा जाता है। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस के लिए, बेसिकली जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आते हैं वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पारसेक जो है, जिसको पार सेकेंड के नाम से जो है वो हम जानते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो इसको मापा जाता है। इसमें लाइट एयर की बात भी करते हैं, लाइट एयर की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स आप बनाते चलिए वन बाय वन। आपको जितने क्वेश्चन, अगर मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो 20 नए क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता के भी जाऊंगा, तो नई नई चीजें देखने को आपको मिलेंगी। और आपकी ये पेड क्लासेस की क्लासेस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेंगी। और आपके सिर्फ एक अटेम्प्ट में, जो आपका सी टैट एचपी टैट जो नॉन मेडिकल का एग्जाम रहता है, वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फिजिक्स का सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 29 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको जो है वो यहाँ पे देता हूँ कि 29 क्वेश्चन आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक करके आएंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी इसलिए नहीं दी क्योंकि हम इंसान हैं, कई बार उस सर्कल लगाने में अगर गलती होगी तो उसकी गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा। तो 29 क्वेश्चन तक मैं आपको यहां पर बिल्कुल सही करवा दूंगा। साथ में जो भी आपके डिफेंस के एग्जाम रहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, उसके अलावा जहां पर भी आपसे फिजिक्स का सेक्शन पूछा जाता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उनमें से 100% आपको गारंटी दूंगा कि जो थ्योरी वाला पार्ट है अभी तक आपका 101% वो मैं क्लियर करवाऊंगा। जल्दी ही जो इसके नेक्स्ट जो टाइप रहेंगे उसमें मैं इसकी जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए लाइट एयर की वैल्यू क्या होती है, लाइट एयर की वैल्यू होती है 9.46 × 10^15 मीटर। ये एक लाइट एयर की वैल्यू है। और अगर मैं आपसे एक पार सेकंड की वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है 3.08 × 10^16 मीटर। तो देखिए बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ पार सेकंड, इससे छोटा कौन, लाइट एयर। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए, वो है पारसेक। तो ऑप्शन डी जो है लेंथ, लंबाई के लिए काउंट किया जाता है इसको डिस्टेंस के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, इसीलिए रिपीट किया ताकि आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में ये क्वेश्चन बिल्कुल हिट हो जाए, फिट हो जाए। तो पारसेक क्या बताता है, देखिए अभी मैंने बताया डेंसिटी तो नहीं बताएगा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बताता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। एस्ट्रोनॉम क्या बताता है, एस्ट्रोनॉम किस चीज के लिए काउंट किया जाता है वो आपको बताना है। आप अपने दिमाग में छोटी छोटी चीजें जो है वो आप सेट कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉम की वैल्यू कितनी होती है पहले वो मैं आपको बता दूं। इसको
ए के ऊपर जीरो के साथ जो है वो दर्शाया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 10^-10 meters। जैसे नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, अगर नैनोमीटर की बात करूं तो वो होती है 10^-9 meters। वैसे हेक्टो, माइक्रोमीटर, ठीक है, उस तरीके से ये भी किसके लिए है। अब इसके यूनिट से, यूनिट बताने से पहले आपकी जो इसकी वैल्यू है वहीं से पता चल रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल ये जो एस्ट्रोनॉम है क्या बता रहा है, 10^-10 और उससे आगे क्या लिखा गया है, मीटर। मीटर किसके यूनिट, लंबाई के। तो क्या बताते हैं, ये डिस्टेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई यूनिट क्या है। अब सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से आप इसको क्या बता सकते हैं, इसका इसका क्या बता सकते हैं, आप यूनिट बता सकते हैं। लेकिन चार्ज के जो एसआई यूनिट काउंट किए जाते हैं, बेसिकली क्लास प्लस वन में पहला या दूसरा टॉपिक है वहाँ पे आपको एसआई का पूरा एक चैप्टर मिलता है, जिसमें आपके डायमेंशनल फॉर्मूले भी करवाए जाते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो है कूलम। क्या है, कूलम है। और ओहम किसका है, ओहम है आपका रेजिस्टेंस का। उसके बाद वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, जिसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। और वोट किसका है, वोट है आपका पावर का। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। आप क्वेश्चन जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन वन आप लिखिए, उससे रिलेटेड जानकारी लिखिए। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लिया। यूनिट क्या बताया मैंने आपको इसका, वो बताया कूलम, ठीक है, लिख लिया। उसके नीचे जैसे मैंने अभी आपको वोल्ट का बता दिया, ओहम का, वोल्ट का, ये बता दिए, तो इसी क्वेश्चन में लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ। उसके बाद फिर क्वेश्चन टू उसकी डिटेल लिखिए, फिर क्वेश्चन थ्री उसकी डिटेल लिखिए। तो इस तरीके से आपकी जो एक रिवीजन है वो आपकी जो है वो आपके अपने हैंड नोट से जो है वो एक पूरी की पूरी एक किताब जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू वन पास्कल। वन पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। वन पास्कल किसके बराबर होता है, देखिए प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, वो होते हैं पास्कल। लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपका फॉर्मूलों का सेशन और एक डेफिनेशन का सेशन जो है जल्दी ही आपको मिलेगा। आई होप आप उसको जो है वो उसका एक दो दिन आप उसका इंतजार कीजिए। उसका जो सेशन है वो आपको आपके बेसिक वाले पार्ट में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनको डिफाइन करूंगा, साथ में जो सिंपल डेफिनेशंस रहती हैं सेमीकंडक्टर, उसके बाद डायोप्टर क्या होता है, उसके बाद लेंस क्या है, मिरर क्या है, जो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। बेसिक वाली तो याद रहती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी डेफिनेशन जिनका यूज़ फिजिक्स में ज़्यादा होता है, जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि डायमीटर क्या काम करता है, ठीक है, उसका रेन गूज क्या काम करता है, या फिर मल्टीमीटर क्या काम करता है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये तो इसके बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। लेकिन ओहम की डेफिनेशन क्या है, ओहम लो क्या बताता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चन, उनकी भी एक क्लास जो है वो जल्दी ही मैं आपकी लूंगा। तो देखिए जो प्रेशर था उसके उसका फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और एरिया के क्या होते हैं, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो बता सकते हैं, क्या इसका राइट आंसर रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया जो है वो इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन तो ऊपर आएगा, ऑप्शन ए बी सी और डी तीनों में न्यूटन है। पहले में तो सेंटीमीटर है इसके लिए ये कट गया, दूसरे में मीटर है काउंट कर सकते हैं, तीसरे में सेंटीमीटर है कट गया। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या बता रहा है, वन न्यूटन और पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, और लास्ट में क्या बता रहा है, वन न्यूटन और पर मीटर, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर, यहाँ पे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, डायोप्टर क्या बताता है आपको बताना है, डायोप्टर क्या बताता है, तो डायोप्टर क्या बताता है, पावर ऑफ लेंस बताता है, डायोप्टर क्या बताता है, पावर ऑफ लेंस बताता है, लेंस की क्षमता को बताता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है आपको यहां तक, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट क्या है, तो वो क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। और ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसके यूनिट क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था डेसिबल जो है वो इसके यूनिट है, और अगर डेसिबल ऑप्शन में ना हो तो क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव, यानी कि साउंड के साथ वो नहीं जुड़ा है, हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक, कौन सा ऐसा वर्ड है जो साउंड के साथ नहीं जुड़ा है, साउंड के साथ नहीं जुड़ा है। तो देखिए हर्ट्स जो है, हर्ट्स तो जुड़ा है, ठीक है, हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, हर्ट्स तो जुड़ा है, डेसिबल तो खुद साउंड की यूनिट है तो डेसिबल भी जुड़ा है। अब बचे दो, कैंडेला और मैक, तो कैंडेला जो है ये तो लुमिनस इंटेंसिटी का है, ये किसका यूनिट है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का है, ठीक है, तो ये वाली चीज जो है नहीं जुड़ी है, लेकिन मैक जो है ये जुड़ा है, मैक किसके काउंट में आता है, मैक से हम जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम मेजर करते हैं, और बेसिकली ये किसमें किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है, एक ब्लैक बॉक्स जो है वो उसमें रखा होता है जिससे उस उसकी साउंड का जो है हम पता कर सकते हैं, ठीक है, साउंड में साउंड को जो है वो उस मैक बॉक्स से हम उसका पता कर सकते हैं, बेसिकली एरोप्लेन्स में इसका यूज किया जाता है। जब साउंड का आपका चैप्टर आएगा तब आपको और अच्छे से जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। तो कैंडेला जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, ये साउंड से जो है वो नहीं जुड़ा है। अब अंत में आज की इस क्लास में आपको मैं सात जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट हमारे रहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले लेंथ है, इसके यूनिट जो है वो क्या किए जाते हैं, मेजर, मीटर। उसके बाद मास है, मास के यूनिट क्या है, केजी। ध्यान रखें जब हम अपना वेट काउंट करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट कितना है 50 किलो, नहीं, हमारा वेट जो है वो किस में काउंट किया जाता है, न्यूटन में। फिजिक्स की भाषा में वेट के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, ना कि केजी होते हैं। मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है टाइम, टाइम को सेकंड से बताया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन से बताया जाता है, डिग्री सेल्सियस इज द नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है फिफ्थ नंबर पे, इसके यूनिट है कैंडेला, अभी बताया मैंने आपको। सिक्स नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जिसके यूनिट है एम्पियर, और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, इसके यूनिट हैं मोल। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपके साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उनको भी आप एनकरेज कीजिए कि आप भी बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट में जो है वो पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, और हमारे साथ जो है वो विजयपथ एजुकेशन के साथ एक सक्सेस की लाइन में जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।